अगर मैं आपको 1,00,000 रुपया दूंगा तो आप आपका धर्म बदली करोगे क्या? नहीं करूंगा। भारत के संविधान में लिखा है कि कोई भी धर्म हम अपनी इच्छा से अपना सकते हैं। ऐसा ही कुछ धर्म परिवर्तन हमारे दलित समाज में भी हुआ है। कुछ मातंग समाज के लोग हैं वो अब क्रिश्चियन बन गए हैं, लेकिन जो मातंग समाज के जो दलित लोग हैं उनका यह कहना है कि जो मातंग समाज के दलित लोग थे उन्होंने पैसे लेकर अपना धर्म बदला है। बताइए कि आपने आपका धर्म क्यों बदला है? ये धर्म हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने पहले तो बदला है, और उसके बाद में जो वो संस्कृति उन्होंने ली है वही संस्कृति हमारे माता पिता ने स्वीकार कर लिया, और उनके द्वारा हम भी वही क्रिश्चियनिटी में अभी जी रहे हैं। क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो पैसे देकर उन्हें क्रिश्चियन बनाया गया, वो बात सच है? सच है ना? सच है। कैसे होता है? किसको लालच रहता है पैसे का, वो होता है, हमको लालच नहीं है। तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे जो अपना हिंदू धर्म बदली करके क्रिश्चियन धर्म में जाते हैं? वो क्या कम दिमाग के रहते हैं? मैं भी एक दलित मातंग समाज से हूँ और मैंने भी क्रिश्चियन धर्म अपनाया है। हमारा यह अनुभव रहा है कि पिछले कुछ साल पहले हमारे साथ में छुआछूत, धर्म भेदभाव, ऊंच नीच की जाती थी, और इसी बात से परेशान होकर लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। लेकिन इस बात को दबाया जाता है और लोगों को भड़काया जाता है कि लोगों ने, जो मातंग समाज के लोग थे उन्होंने पैसे लेकर धर्म बदला है। लेकिन धर्म क्यों बदला है यह बात उजागर की नहीं जाती है। लोगों का मानना है कि जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं उन्हें क्रिश्चियन बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, क्या कहना है आपका? अभी देखो, ऐसा जब बात रहती थी तो पैसे देकर क्रिश्चियन था, अभी ये बम्बई शहर में सब लोग क्रिश्चियन बन सकते थे। लेकिन आज ही पॉपुलेशन में देखा गया तो ऐसा लगता है कि 2% भी क्रिश्चियन समाज या क्रिस्ती लोग नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे बात तो गलत है, सीरियस से गलत है बात, क्योंकि मैंने जितने मसीह लोगों को देखा कोई ऐसी बातें नहीं करते। वो सिर्फ यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, और सिर्फ वो प्रेम की बातें करती है। जो प्रेम रखता है वो हर आदमी यीशु मसीह से प्रेम रखेगा, इतना मैं जानता हूँ। तो मैं ऐसा कोई मैं बात का मैं विरोध करता हूँ कि पैसे वैसे देखो, क्योंकि मुझे तो आज तक किसी ने कोई पैसे नहीं दिए और ना ही मैं पैसे लेने की उम्मीद रखता हूँ। मैं तो सिर्फ यीशु मसीह को पाना चाहता हूँ बस। जब तक धर्म भेदभाव, छुआछूत और ऊंच नीच हमारे समाज में रहेगी तब तक लोग इससे मुक्ति पाने के लिए धर्म परिवर्तन करेंगे जहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसका मतलब यह नहीं होता है कि लोगों ने धर्म परिवर्तन पैसे लेकर किया है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दलितों का स्थान नीचा रहे, दलित कभी आगे ना बढ़े, और दलितों ने पैसा लेकर अपना धर्म बदला है। इस नाम को, इस नाम का सहारा लेके दलितों को बदनाम किया जाता है। मुंबई से अमूल लाल झरे, इंडिया नड के लिए।